उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी करने के बाद से इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई, वहीं अब एक और मामला कोर्ट में पहुंच गया। दरअसल सावन माह में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें बंद करने के वाराणसी नगर निगम के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद सुहेल ने ये याचिका दायर की है। मोहम्मद सुहेल की ओर से दाखिल इस याचिका में दलील दी गई कि उक्त आदेश न केवल कोई भी व्यवसाय व्यापार या कारोबार करने की मौलिक स्वतंत्रता बल्कि सम्मान और निजी स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सावन में कांवड़ की प्रथा युगों से जारी है और इस दौरान मांस की दुकानें हमेशा खुली रही हैं, इसलिए इस तरह का आदेश पारित कर अधिकारी पहचान के आधार पर बहिष्करण का प्रयास कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने ये दलील भी दी है कि अधिकारियों ने ये तथ्य ध्यान दिए बिना आदेश पारित किया कि इससे दुकानदारों की आजीविका प्रभावित होगी, क्योंकि इन दुकानों से आय ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के निर्णय से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये मांस का उपभोग करने की इच्छुक उन व्यक्तियों को मांस खाने से रोकता है जिन्हें चिकित्सक ने मांस या मांसाहारी भोजन लेने की सलाह दी है। आपको बता दें कि हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर के जारी नेम प्लेट विवाद के बीच वाराणसी नगर निगम ने सावन महीने में कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों की पवित्रता का ख्याल रखते हुए कांवड़ रूट के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। फिलहाल इन दोनों ही मामलों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों से जुड़े नेम प्लेट विवाद पर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थानीय प्रशासन के एक और फैसले ने नए विवाद को जन्म दे दिया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर हालिया एक बड़ा विवाद शुरू हुआ है। हरिद्वार में कथित तौर पर कांवड़ यात्रा रूट पर बनी मस्जिद और मजारों को ढक दिया गया था। मस्जिदों और मजारों के बाहर गेट को टेंट और तिरपाल से कवर कर दिया गया था। हालांकि इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जाहिर की थी। सावन महीने में हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ रहती है। बहुत बड़ी संख्या में हर रोज शिव भक्त कांवड़ लेने और वहां से लेकर जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और किसी तरह की अव्यवस्था को दूर करने की कोशिश में लगा है। इसी क्रम में प्रशासन ने कथित तौर पर मस्जिद और मजारों को ढक दिया था। इस फैसले पर भारत 24 ने सवाल उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मस्जिदों और मजार से पर्दे हटाने का फैसला किया। भारत 24 की खबर का बड़ा असर देखने को यहां मिला। हरिद्वार में मस्जिदों से पर्दे हटाए गए, कांवड़ यात्रा के रास्ते की मस्जिदों को ढका गया था, मस्जिद और मजार को ढका गया था, लेकिन अब उससे पर्दा हटा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ वोट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। पहली बार हुआ, आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है, हम लोगों को उसका अध्ययन करेंगे।